नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैंगिंग बास्केट के लिए मिट्टी जो तैयार करते हैं हम उसे किस प्रकार से तैयार करनी चाहिए और क्या क्या उसमें मिलाना चाहिए ताकि मिट्टी जो है काफ़ी अच्छे से उसमें जो हम फूल लगाते हैं उसमें काफ़ी अच्छी फूल आएँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। और मिट्टी को लाइट वेट बनाना है क्योंकि हम हैंगिंग बास्केट को हैंग करते हैं तो मिट्टी लाइट वेट होना बहुत ही आवश्यक है। तो लाइट वेट मिट्टी के साथ हम उसमें भरपूर न्यूट्रिशन कैसे दें, क्या क्या उसमें मिक्स करें, तो पूरे डिटेल में देखेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिए, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार से हमारे पास हैंगिंग बास्केट है, इसे हम हैंग करेंगे। तो पहले इसके लिए हम सॉयल मिक्स तैयार कर लेते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये सॉयल मिक्स बनाने के लिए हमने कुछ चीज़ें ले रखी हैं, जिसमें ये हमारा नॉर्मल गार्डन सॉयल है जो हम अपने ग्रो बैग में या गमलों में भर के यूज करते हैं। आप इसे देख सकते हैं, इसमें पहले से भी राइस हस्क, कोकोपीट और काउडंग कंपोस्ट काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। पर हम चूंकि बना रहे हैं इसको हैंगिंग बास्केट के लिए, तो इसमें हम जो मिलाएंगे 50% जो इसका है हमें मात्रा, वो हम अपने गार्डन से सॉयल लेंगे और 50% हम इसमें लेंगे काउडंग कंपोस्ट। हम इसमें दोस्तों, अगर आप मिट्टी कहीं और से ले आते हैं उसमें कोई भी चीज़ मिली नहीं हुई है, तो आप इसको 30% गार्डन सॉयल, 30% काउडंग कंपोस्ट और 30% आप इसमें कोकोपीट या राइस हस्क यूज कर सकते हैं जो मिट्टी को लाइट वेट बनाता है। हम इसे 50% इसलिए यूज करें क्योंकि हमारी मिट्टी में राइस हस्क और कोकोपीट ऑलरेडी मिक्स है। तो अगर आप फ्रेश मिट्टी यूज कर रहे हैं तो आप 30% का रेशियो रखिए। अगर आपके पास पहले से राइस हस्क या कोकोपीट मिक्स की मिट्टी हुई है तो आप उसको 50% का रेशियो दोनों का रख सकते हैं। इन दोनों के अलावा हम इसमें यूज करेंगे मोटी वाली सैंड, जो मोटी वाली लाल रेत आती है, ये जो मिट्टी में पानी को जो है एक जगह टिकने नहीं देती है, मिट्टी की जो पोरोसिटी होती है उसको अच्छे से एनहेंस करती है। तो करीब आप 10% कह लीजिए एक भाग इसमें हम राइस ये मिला देंगे क्योंकि ये वेटेड होती है, तो ज़्यादा मात्रा में अगर हम मिलाएंगे तो गमले का वेट भारी कर देगा। तो इसे हम सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि अगर 9 भाग आप मिट्टी और काउडंग कंपोस्ट ले रहे हैं तो एक भाग आप लाल बजरी मिट्टी ले, वो रेत ले सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें करीब 2 से 2.5 मुट्ठी बोन मिल पाउडर यूज करेंगे जो कि फास्फोरस और पोटेशियम काफ़ी प्रचुर मात्रा में इस मिट्टी में आ जाएगी उससे। और इसके साथ हम यूज करेंगे, ये देख सकते हैं आप, ये ह्यूमिक एसिड के ग्रेनुअल्स हैं, साथ में नीम खली और राख, जो जली हुई राख है, लकड़ी है उसका पाउडर है। तो इन तीनों चीज़ों को हम एक एक मुट्ठी इसमें मिला लेंगे और ये रहा हमारा काउडंग कंपोस्ट। तो इन सभी चीज़ों को इसमें आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। बस दोस्तों इसको करना क्या है कि सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है प्रॉपर तरीके से। अब दोस्तों देखिए, मिट्टी काफी अच्छे से हमने मिक्स कर ली है। अब हम जो है ये हमारे जो हैंगिंग बास्केट हैं इनको ले लेंगे और इनके जो बॉटम में है ये होल जो होता है ये बहुत ही जरूरी होता है, इसको आपको देख लेना है प्रॉपर तरीके से। अगर नहीं है तो आप बना लीजिए। और इस होल को बनाने के बाद आप अपने गार्डन की सूखी पत्तियों से या कोकोपीट से किसी भी चीज़ से, राइस हस्क से भी, इसे नीचे एक लेयर बिछा दीजिए जिससे कि जो पानी का ड्रेनेज सिस्टम होता है वो काफ़ी अच्छे से बना रहे। और ये जो पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां, धीरे धीरे गल के जब आप पौधे में लगाएंगे तो उनकी रूट नीचे तक जाएंगी, तो इनसे उनको अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराएंगे ये। तो ये लगाना बहुत ही आवश्यक है, इसको आप स्किप ना करें। अब दोस्तों इसमें हमने जो मिट्टी तैयार की हुई है उस मिट्टी को ऊपर से भर देंगे। और इसको हल्का सा दबा लेंगे क्योंकि जो हमने पत्ती डाल रखी है वो नीचे अच्छे से बैठ जाए। और आधा भर लेने के बाद जो भी पौधा आपको इसमें ट्रांसप्लांट करना है, जैसे कि मैं इसमें पेटूनिया का पौधा लगाने जा रहा हूं, तो मैं आपको वो पौधा लगा के भी दिखाता हूं। तो दोस्तों इस एक गमले में हम ये 2 पेटूनिया के पौधे ला के रखे हुए हैं, इसे लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसकी पन्नी निकाल लेनी है
और ये देखिए इसकी हमने नीचे से जो मिट्टी है उसे हल्का हल्का हटा लिया है और यहाँ पे हम अच्छे से इस तरह से रख देंगे। सेम हम दूसरे वाले पौधे के साथ भी कर लेंगे। ये देखिए इसकी भी रूट को बिना डैमेज किए हुए हमने इस पौधे के साथ भी मिट्टी थोड़ी हटा ली है और दोनों पौधों को हम दो अलग अलग कलर के फूल हैं और इसको हम इसमें लगा लेंगे और ऊपर से साइड से हम मिट्टी भर देंगे गमले को ऊपर तक। थोड़ी सी स्पेस हमें गमले में रखनी है जिससे कि हम वाटरिंग जब भी करें तो वो पानी साइड से बाहर ना आ जाए, गिरने ना लग जाए, इसलिए थोड़ी स्पेस हमें खाली रखनी है। आप देख सकते हैं और इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि रूट जो है वो अच्छे से अपनी जगह ले ले। ये देखिए तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों हमारा हैंगिंग बास्केट तैयार है। अब इसमें हम दे देंगे अच्छे से वाटरिंग और वाटरिंग हमें इतनी मात्रा में देनी है कि गमले में जितनी मिट्टी है बास्केट में पूरी अच्छे से गीली हो जाए। अगर आप एक बार में नहीं हो पाता है तो इसको दो बार में दीजिए। एक बार जब मिट्टी पानी नीचे चला जाए थोड़ी देर वेट कर लीजिए तो दोबारा फिर इसमें वाटरिंग कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मिट्टी पूरी अगर गीली हो जाएगी तो जो रूट अभी नए नए हम इसमें पौधे लगा रहे हैं तो रूट काफ़ी अच्छे से इसमें सेट हो जाएगा तो पौधा जो है मरने का खतरा बिल्कुल नहीं रह जाता है। और अच्छे से वाटरिंग कर लेने के बाद इसको हम कर देंगे हैंग, टांग देंगे जहाँ भी जगह आपकी बना रखी हो इनके लिए। और उसके बाद आप इसको डेली दिन में एक बार पानी चेक कर लीजिए। अगर आपका पौधा मिट्टी सूखी नज़र आए तो इसमें वाटरिंग कर दिया कीजिए। और फिलहाल अभी आपको कोई कंपोस्ट इसमें देने की आवश्यकता नहीं है। ये हमने चूंकि पेटोनिया का पौधा लगा रखा है तो इसके लिए हमने पर्याप्त कंपोस्ट अभी इसमें दे दिया है तो और कोई कंपोस्ट हमें इसमें फिलहाल नहीं करनी है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा ये बास्केट टंगने के लिए रेडी हो गया है। इसे हम अब हैंग कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये हमने अपने पौधे को हैंग कर दिया। ये हमने जो ऊपर रॉड लगा रखा है हैंगिंग बास्केट के लिए तो उसी में हमने अपने पौधों को हैंग कर दिया है। अब ये पेटोनिया का पौधा काफ़ी अच्छे से गमले को कवर कर लेगा और जो फ्लावरिंग होगी पेटोनिया में अप्रैल तक फ्लावरिंग होती है तो काफ़ी अच्छा देखने में ये लगेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।